बांग्लादेश में मची भारी तबाही के बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार अब पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर देती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से अपने प्रतिद्वंदी रहे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ऐतिहासिक नीति को बदलने में जुट गया है। देश की अंतरिम सरकार में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने सोमवार को कहा, प्रशासन पाकिस्तान के साथ 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से जुड़े मुद्दों को हल करना चाहता है। अंतरिम मंत्री की तरफ से बयान ऐसे समय पर आया है जब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार के कई बड़े सदस्यों ने पाकिस्तान के बांग्लादेश में उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ से मुलाकातें की है। नाहिद इस्लाम के दफ्तर से जारी अधिकारी बयान में कहा गया कि मारूफ ने कहा कि पाकिस्तान 1971 के सवाल को सुलझाना चाहता है। मारूफ का कहना था, पिछली सरकार ने हमें चर्चा का कोई मौका नहीं दिया और 1971 के मुद्दों को जीवित रखा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को काफी पहले सुलझाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इसके जवाब में नाहिद ने कहा कि 1971 बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा, आवामी लीग के मुताबिक 1971 इतिहास का आखिरी अध्याय है, लेकिन हमें लगता है कि ये इतिहास को जारी रखने जैसा है। खास बात है कि नाहिद ने 1947 के घटनाक्रमों का जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी, राष्ट्रहित और अखंडता को बरकरार रखते हुए किसी भी देश के साथ रिश्ते बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रीय हितों और विकासशील संबंधों के लिए 1971 के मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। खास बात है कि बांग्लादेश लंबे समय से पाकिस्तान की तरफ से उसके खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए माफी की मांग कर रहा है। 53 सालों के रिश्तों में अब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध खासे कमजोर रहे थे, तो वहीं बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान काफी संतुष्ट दिखाई दे रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंध ठंडे बने रहे। रिश्ते तब और भी खराब हुए जब पाकिस्तान ने 1971 के संघर्ष के दौरान युद्ध अपराधों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।